नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सीख स्टडी में स्वागत है। आज हम बात करेंगे फरवरी माह में पढ़ने वाले इम्पोर्टेंट डे की, कि अभी तक फरवरी माह में कितने इम्पोर्टेंट डे बीत चुके हैं और साथ ही साथ जो आने वाले बाकी दिन हैं उनमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट डेज पड़ेंगे। चलिए बात करेंगे वीडियो में। तो हमारा ये देख सकते हैं आप पहली स्लाइड, इस पर आप देख पाएंगे कि फरवरी माह में कौन कौन से इम्पोर्टेंट डेज मनाए जाते हैं। तो अगर 1 फरवरी की बात करें तो आप देख पाएंगे 1 फरवरी को मनाया जाता है इंडियन कोस्ट गार्ड डे, और वहीं बात करी जाए 2 फरवरी की तो वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया था सेपरेट, आप देख सकते हैं। और बात की जाए 4 फरवरी को तो इस दिन मनाया जाता है वर्ल्ड कैंसर डे। आगे बात करेंगे वर्ल्ड कैंसर डे पर भी मैंने एक सेपरेट लेक्चर लिया हुआ था, आप देख सकते हैं। आगे बात करेंगे काला घोड़ा फेस्टिवल, काला घोड़ा फेस्टिवल मनाया जाता है 5 फरवरी से 13 फरवरी तक, तो आपको ध्यान रखना है ये 5 फरवरी से 13 फरवरी। अगर बात की जाए 6 फरवरी को कौन सा डे मनाया जाता है, तो आप देख पाएंगे इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, तो इस दिन 6 फरवरी को यह दिवस मनाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें 6 फरवरी से 12 फरवरी के लिए, तो ये जो वीक होता है ये इंटरनेशनल डेवलपमेंट वीक के रूप में मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। अगर बात करें 8 फरवरी को, तो 8 फरवरी को सेफर इंटरनेट डे मनाया जाता है। इंटरनेट को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से 8 फरवरी को सेफर इंटरनेट डे मनाया जाता है। अगर बात करें 10 फरवरी को, तो 10 फरवरी को नेशनल डीवॉर्मिंग डे भी मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आगे बात करें अगली स्लाइड की, तो आपको ध्यान रखना है 10 फरवरी को एक और डे मनाया जाता है वर्ल्ड पल्सेस डे, और 11 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड डे ऑफ द सिख, और 11 फरवरी को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल इन साइंस, और 12 फरवरी को मनाया जाता है डार्विन डे, और 12 ही फरवरी को मनाया जाता है अब्राहम लिंकन का जन्मदिन। तो आप देख सकते हैं 2 महान लोगों का एक ही दिन जन्म हुआ था, उनमें से डार्विन और दूसरे अब्राहम लिंकन, तो आप समझ सकते हैं 12 फरवरी कितना बड़ा दिन है। आगे बात करेंगे, अगर बात करें 12 फरवरी को एक और डे मनाया जाता है, उसे कहते हैं नेशनल प्रोडक्टिविटी डे, ये आप देख पाएंगे। और बात करें 13 फरवरी को, तो 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जाता है, और 13 ही फरवरी को मनाया जाता है भारत में सरोजिनी नायडू जी की बर्थ एनिवर्सरी। और बात करें 14 फरवरी को, तो सेंट वैलेंटाइन डे भी मनाया जाता है, आपको पता होगा। और 18 फरवरी से 27 फरवरी तक के लिए ताज महोत्सव मनाया जाता है, और 20 फरवरी की बात की जाए तो ये मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश फाउंडेशन डे, क्योंकि इसी दिन अरुणाचल प्रदेश की फाउंडेशन हुई थी, इसकी वजह से इसे मनाया जाता है। आगे बात करेंगे, अगर 20 फरवरी की बात की जाए, तो 20 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। अगर बात की जाए 21 फरवरी को, तो 21 फरवरी को मनाया जाता है इंटरनेशनल मदर्स लैंग्वेज डे, ये इंपॉर्टेंट डे है, आपको ध्यान रखना है 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर्स लैंग्वेज डे मनाया जाता है। 22 फरवरी की बात की जाए, तो 22 फरवरी को वर्ल्ड थिंकिंग डे मनाया जाता है। 24 फरवरी की बात की जाए, तो सेंट्रल एक्साइज डे मनाया जाता है। अगर 27 फरवरी की बात की जाए, तो वर्ल्ड एनजीओ डे मनाया जाता है, और 28 फरवरी नेशनल साइंस डे मनाया जाता है, ये एक इम्पॉर्टेंट डे है, आपको ध्यान रखना है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगर बात की जाए 28 फरवरी को, तो रेयर डिजीज डे मनाया जाता है, आपको ध्यान रखना। और नेशनल साइंस डे की बात की जाए, तो ये भारत के साइंस डे के रूप में मनाया जाता है, और इस दिन भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक सी वी रमन जी का जन्मोत्सव भी होता है, तो ध्यान रखिएगा। ये आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये थे फरवरी माह में मनाए गए सभी इम्पोर्टेंट डे। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।